हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपके साथ शेयर करूँगी मैं एक सिंपल हेल्दी सिंधी लंच। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ कढ़ाई ली है, तेल गरम किया है, इसमें डालेंगे जीरा। जैसे ही जीरा तड़कने लगे इसमें डालेंगे एक चम्मच कूटी हुई लहसुन, आधा चम्मच हल्दी। जैसे ही लहसुन थोड़ी सी लाल हो जाए हम इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्ची। यहाँ मैंने 1.5 टमाटर लिया और 4 हरी मिर्ची ली है तीखी वाली। अगर आप तीखा कम खाते हो तो मिर्ची कम डालिए। इसे अच्छे से मिला लेंगे हम, और जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे हम इसमें बारीक कटी हुई गोभी डाल देंगे, यानी पत्ता गोभी डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिला देंगे। अगर गाइस आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 10 मिनट बाद ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट पक गई है। इसमें बेसिक मसाले डाल देंगे, जैसे कि नमक डाल देंगे, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच जितना डाल देंगे, और जैसे कि मैंने हरी मिर्ची यूज़ ज़्यादा की है तो मैं यहाँ पर लाल मिर्ची थोड़ा कम डालूँगी, आधा चम्मच डाल दूँगी, और इसे हम अच्छे से मिला देंगे। गाइस, बहुत बेसिक मसाले यूज़ करती हूँ लेकिन बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट सब्ज़ी बन जाएगी। अब इसे हम मिला देंगे और इसके बाद हम इसे फिर से 5 से 6 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और ये देखिए, 5-6 मिनट बाद हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। एकदम सिंपल तरीके से बढ़िया और स्वादिष्ट रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए, बहुत अच्छे से कलर भी आया है इसका। तो चलिए, हमारी सब्ज़ी तो रेडी हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ मैंने लिया है मूंग दाल, हरी छिलके वाली मूंग दाल और चावल, जिसको मैंने 1 घंटे तक भिगा के रखा था। दोनों सेम ली है, मतलब एक कटोरी मैंने दाल ली है और एक कटोरी मैंने चावल लिए हैं। यहाँ मैंने कुकर गरम करने रखा था जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी है। और ये बड़ी ही सिंपल खिचड़ी है जिसमें कोई तड़का नहीं, कोई मसाले नहीं। इसमें हम सिर्फ डालेंगे आधी चम्मच जितनी हींग, स्वादानुसार नमक। यहाँ मैंने नमक डाल दिया है, अब हींग डाल देती हूँ। इसी का जो स्वाद आता है, बहुत बढ़िया स्वाद आता है। अगर आपके घर में कोई बीमार हो और ये खिचड़ी दे तो बहुत ही हेल्दी रहती है। ऐसे भी खाने रोज़ के इसमें अच्छा लगता है। मुझे तो गर्मियों में ऐसा सिंपल खाना अच्छा लगता है। यहाँ मैंने 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया, और घी का स्वाद इसमें बहुत अच्छा लगता है। ये तेल में इतनी अच्छी नहीं बनती, घी में ये बहुत स्वादिष्ट बनती है। बस इतना ही डालना, ये 3 ही चीज़ें डालने के बाद हम कुकर लगा देंगे, क्योंकि हमने इसे 1 घंटे तक भिगा के रखा था। तो ये 3 सीटी में बहुत अच्छे से सॉफ्ट पक जाएगी। तो ये देखिए, हमारी 3 सीटी के बाद हमारी खिचड़ी इतनी अच्छे से पकी हुई है। इसको घी की वजह से बहुत अच्छी शाइन भी आई है और बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये खाने में। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। खिचड़ी रेडी है, सब्ज़ी रेडी है, तो अब हम बनाएंगे रोटी। तो यहाँ मेरा लंच ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, रोटी भी बनने डाली है। और ये सिंपल रोटी नहीं है गाइस, ये हमारे सिंधी फुलके है। अब इसकी अगर रेसिपी आपको चाहिए तो ज़रूर बताइए, मैं शेयर करूँगी। बहुत अच्छी सॉफ्ट बनती है और फुली फुली बनती है, और ये काफ़ी टाइम तक सॉफ्ट रहती है। तो ये देखिए, यहाँ मेरी रोटी भी रेडी है, बहुत अच्छे से आसानी से आराम से फूल रही है, और मेरा लंच ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो आपके साथ शेयर करती हूँ गाइस, ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। ये देखिए, लंच रेडी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।